हेलो दोस्तों, सलाम। स्वागत करता हूँ आपको मेरे इस चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये टॉपिक बहुत बार क्वेश्चन में आने वाला सब टॉपिक है, बहुत बार कमेंट में पूछे जाने वाला टॉपिक है। इसी पे आज मैं कवर अप करने वाला हूँ। इसको आपको मैं स्टेप बाय स्टेप, मतलब कैसा क्या होने वाला है उसको स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे में आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कीजिए। हमें भी थोड़ा मौका दीजिए आप तक आपके दिल में बसने के लिए, और हाँ, हमारे भी वीडियोस थोड़ा वायरल होने के लिए चांसेस, आप भी उसको फैलाइए, हम भी फैलाने की कोशिश करें ताकि हम भी बहुत जल्द वायरल हो सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि किस किस जो नए यूट्यूबर्स होते हैं उनके मन में डाउट भी होता है कि हम लोग का जो चैनल है वो कितने साल का, मतलब ऐसा तो नहीं है कि कुछ टारगेट दिया गया कि एक साल के अंदर ही कंप्लीट करना रहता है 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 आवर का वॉच टाइम। लेकिन ये जो बात है ना, दरअसल पूरा गलत है, जिसको मैं आज पूरा डिस्क्राइब करने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो चीज़ है 1000 आवर और 4000 आवर का वॉच टाइम, ये वहाँ पे लिखे रहता है कि वो आपको एक साल के अंदर कंप्लीट करना रहता है। लेकिन दोस्तों, ये पूरा गलत है, इसको आप पूरा ध्यान से पढ़िएगा। ये जो रहता है ना एक साल, मतलब आपका जब भी आपका ये आप ध्यान से सुनते रहेंगे, ये जो इसका मतलब ये है कि आप जब भी आपका चैनल जब भी 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 आवर का वॉच टाइम कंप्लीट करेगा, उससे लेके एक साल तक आपका चैनल काउंटिंग में जाएगा। उससे पहले एक साल तक आपका कितना सब्सक्राइबर रहा, क्या रहा, उसको लेके वो एक एनालाइज करेगा यूट्यूब, उसके बाद आपको मोनिटाइज करके देने वाला है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका चैनल आप अगर खोल रहे हो अभी 2022 में, आप चैनल खोल रहे हो और आपको लग रहा है कि 2023 तक आपका चैनल मोनिटाइज नहीं हुआ है, तो डरने की बात नहीं है दोस्तों। वो वन ईयर जो रहता है ना, वो आपका जस्ट ऐसे टाइम पीरियड रहता है कि आपका जब भी आपका मोनिटाइज होता है उससे एक साल पीरियड तक का आपका पूरा एनालाइज होना चैनल को वो किया जाएगा यूट्यूब की तरफ से। लेकिन ऐसा कोई भी टारगेट या तो बाउंडेशन नहीं है कि आप अगर वन ईयर के अंदर आपका चैनल अगर आप 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर का मोनिटाइज आवर का वॉच टाइम नहीं किया तो आपका चैनल मोनिटाइज नहीं हो पाएगा। नहीं दोस्तों, ये आपका गलत फहमी है। आप जब भी चैनल शुरू करते हैं तो आप उससे पूरा डेडिकेटेड होते रहिए, वीडियोस रेगुलरली डालते रहिए, और हाँ, आप जब भी कंप्लीट करेंगे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर तभी आप अप्लाई कर सकते हैं मोनिटाइज के लिए। आपका कोई भी वीडियो, जैसे कि आप कोई भी वीडियो आप उसमें डाल सकते हैं, वो यूट्यूब आपका कोई, मतलब अगर मान लीजिए आप 200 वीडियोस आप अपलोड किए हो और आपका चैनल मोनिटाइज कर, मतलब मोनिटाइज होने वाला है, तो यूट्यूब आपका 200 वीडियो में से कोई भी एक वीडियो लेके जाएगा, वो उसको एनालाइज करेगा, उसमें आपका कंटेंट कैसा है, किससे कॉपीराइट किया गया है नहीं, आपका डिस्क्रिप्शन कैसा है, आप किससे कुछ कॉपी किए हैं नहीं, वो चीज़ वो पहले सर्च करेगा, उसको सब कुछ ओके लगेगा, फिर जाके वो मोनिटाइज के लिए आपको एक्सेप्टेंस देगा। इसका मतलब ये कि उसमें आपको लगभग 15 से एक महीने तक वो टाइम पीरियड लगता है। तो दोस्तों, ये था आज का डिटेल कि आप ऐसे माइंड में टेंशन लेके मत घूमिए कि एक साल के अंदर ही आपको सब कुछ करना है। आपका अभी आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको एक साल का अंदर नहीं, आपका जब भी चैनल का 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर का वॉच टाइम कंप्लीट होता है, आप तब भी आराम से मोनिटाइज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उससे वन ईयर तक ही आपका काउंटेशन में जाएगा, उससे पहले काउंट में नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों, ये चीज़ मेरे को लगता है अब तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करते रहिए, वीडियो इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक कीजिए, और हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।